ये है अपना शेल्टर और आज एक दो दिन तक हम यहाँ पे रहने वाले हैं शेल्टर के अंदर, मस्त से ग्रुप कैंपिंग करने वाले हैं। पीके बताना कैसा है, तो इसको बताना। ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी जिंदगी में। पहले गले से तो निकाल ले लीजिए। बिरयानी यार बड़ी मस्त दिख रही है, और ऊपर से डालेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट। एक दो तीन, ओ भाई मस्त है यार, मजा आ गया। सो गाइज, स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश कैंपिंग वीडियो में। पिछली जो दो तीन वीडियो थी उसमें आपने देखा एक शेल्टर वाली कैंपिंग। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि भाई उसमें ग्रुप कैंपिंग करो, तो आज हम निकले हैं ग्रुप कैंपिंग के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ, थोड़ा अपने जो मेंबर मतलब ग्रुप मेंबर हैं उनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले चंदू भाई और साथ में भोला। हेलो। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि पिछले वीडियो में कि शेल्टर में एक ग्रुप कैंपिंग करो, तो उसमें मज़ा आने वाला है, तो आप इन्जॉय करो। और यहाँ से चलते हैं, अभी कोई 2 किलोमीटर से ज़्यादा हमें जाना है यहाँ से। तो गाइज हम अब एंटर कर चुके हैं जंगल में, यहाँ से कोई 1 किलोमीटर बाद अपना शेल्टर आ जाएगा। आप में से जिसने प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखी होंगी उनको लग रहा होगा कि किस शेल्टर की बात कर रहा है, या फिर क्या शेल्टर, कहाँ पर क्या शेल्टर है। तो एक बार आप जो प्रीवियस 3 वीडियो है बुशक्राफ्टर वाली, सोलो बुशक्राफ्टर वाली, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे मैंने शेल्टर बनाया हुआ है, कैसा शेल्टर है, वो आपको प्रीवियस 3 वीडियो में पता लगेगा। फिलहाल अब तो हम पहुँच भी गए हैं, तो दिखाते हैं आपको शेल्टर भी और कैसा है क्या है। बस थोड़ा आगे जाके देखने को मिलेगा। चंद भाई कैसा है शेल्टर? एक नंबर बना है भाई, दिखने में तो मजा आ गया। और अंदर से खोल के दिखाएंगे, खोल के दिखाते हैं। बड़ी मुश्किल रही होगी तेजस भाई के लिए, 3 दिन लगे थे, पूरे 3 दिन लगे, आप बताओ। तो गाइज आपने 3 दिन वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो यार, 3 दिन कैसे बनाया मैंने। प्रीवियस 3 वीडियो देखो, उसमें आपको पता लगेगा। वो भी सोलो सोलो अंदर का सीन देखो कैसा है। भाई इसके अंदर कम से कम 4 लोग, 4 लोग। तो गाइज थोड़ा आपको मैं शेल्टर का ओवरव्यू देता हूँ कैसा मैंने बनाया है। यहाँ पर देखो पूरी लकड़ी यूज हुई है और पत्तियाँ यूज हुई हैं, और देखो घास यूज हुई है, सूखी हुई घास यूज हुई है। तो ये पूरा सूखी पत्तियों सूखी लकड़ियों से बना हुआ है, देखो पूरा घास वगैरह से बना हुआ है। ज़्यादा तो आप कैंपिंग करके आपको दिखाएंगे इसमें, थोड़ा आपको अंदर का स्पेस दिखाते हैं। देखो ये अपने 3 बैग यहाँ आ गए अंदर, और भाई काफ़ी स्पेसियस है वैसे। यार उसका आपके टाइम पे ना ये चीज़ मिस किया था मैंने, चेयर। अब जो मेहनत करी थी ना 3 दिन, अब टाइम है भाई रिलैक्स करने का। तो शेल्टर बना हुआ है और अगले 2 दिन मस्त से रिलैक्स करने वाले हैं हम। यहाँ पे सारा सेटअप लेके आए हैं इस बारी, तो मज़ा आने वाला है कैंपिंग में। जो अपना डोर था ना इसमें हरी घास लगी हुई थी, तो ये सारी सूख गई और पूरे गैप बन गए इसमें, तो इसको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद मस्त ग्रुप कैंपिंग होने वाली है, तो बने रहना वीडियो में। हाँ तो यार आते ही अपना काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला काम जो अपना दरवाज़ा है ना उसको रिपेयर करना है हमें, क्योंकि उसमें सारी जो घास थी वो सूख गई है, तो फिर से जो ताज़ी ताज़ी घास यहाँ पे है उसको लगा रहे हैं हम, फिर से दोबारा इसको रिपेयर करते हैं। जो इस साइड में थोड़े होल बने गए थे ना इसको भी कवर कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है, ये हुआ डन। अब अगला काम जो है अपना वो है लकड़ियाँ, बहुत ज़रूरी काम है लकड़ियाँ ढूंढना। उसके लिए हमारे पास कुछ औजार हैं जो हमेशा अपने पास रखते हैं हम लोग, ये चीज़ लेके
हम जाएंगे चंद भाई चले। हाँ चलते हैं, ये पकड़ना, इस साइड को जाते हैं आज, यहाँ को बहुत लकड़ियाँ होंगी। चलो आ जाओ, कट जाएगा भाई, इस साइड को जाते हैं। देखो पीछे भोला लकड़ियां काट रहा है भाई, एक्सपर्ट है भोला अभी ना। पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि भोले को, भोला को भी कैंपिंग में लेके आओ, तो हम भाई आप जो आप बोलते हो ना हम तुरंत ही कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला भाई ग्रुप कैंपिंग करो, नेक्स्ट डे कोई आ गए। आज हमारे पास लकड़ियां ही लकड़ियां होंगी। आप सोच रहे होंगे इतनी लकड़ियां क्यों लेके आए हम, तो हमें दो दिन रहना है तो उसके लिए तो लकड़ियां चाहिए। ये तो एक दिन के लिए ही है, अभी हो सकता है कल और देना पड़े हमें, क्यों चंद भाई? तो आप ये काम करते हैं, आग जलाने का देखते हैं कुछ। आज हम चूल्हा यहाँ से शिफ्ट करके थोड़ा आगे कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यार रात में आग बड़ी जली तो कहीं हमारी जो हमारा जो शेल्टर है वो ना जल जाए, तो उसके लिए हम आग जो चूल्हा अपना उसमें शिफ्ट करें थोड़ा आगे। और इस रात को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे इसमें डाल के। मैं सोचा कुछ खाने का यूज़ करने वाले हम इसमें, और पत्थर भी लगा लेते हैं साइड से थोड़ा, यहाँ पर अपना जगह बन जाएगा बैठने के लिए। और तब तक एक काम कर लेते हैं, तब तक कोई एक जना पानी भी लेके आते हैं, तो चंद भाई काम करते हैं पानी ले आते हैं, पैन निकालना भाई अंदर से मेरे बैग के से पानी मार रहा है। यहाँ रख दिया भाई, आज जो हमारी कैंप फायर है ना इतनी तगड़ी जलने वाली है रात भर। ग्रुप कैंपिंग में यही फायदा है भाई, सब कुछ बहुत बड़े ढंग से होता है। तो यार तेजस भाई शाम का टाइम है तो चाय बनाते हैं। तो बहुत टाइम पहले जब हमने ग्रुप कैंपिंग करी थी तो उसमें एक चाय बनी थी स्पेशल चाय, क्या क्या था वो चाय? चंदू चाय। चंदू चाय, तो फिर आज रिपीट करेंगे हम वही चाय, फिर पीने का मन कर रहा है तो आज वो चाय भी बनाएंगे। और चंदू चाय के लिए ना ये चीज़ चाहिए रहता है, इसमें केतली में नहीं बन पाती हो चाय, उसके लिए एक पतले टाइप का कुछ भी चाहिए रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले चाय पत्ती को थोड़ा रोस्ट करना है, मतलब हल्का भून लेना है, यही चंदू चाय की स्पेशल खासियत है, इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। हल्का रोस्ट करके जो टेस्ट रहता है ना उसके बाद भाई मज़ा आ जाता है वो टेस्ट। तो हो गया है रोस्ट, तो गाइज चाय बन चुकी है, हमने केतली में ट्रांसफ़र कर लिया चाय को। अब बढ़िया से यहाँ पे टेबल लगाते हैं और फिर बैठ के चाय पीते हैं शाम के टाइम। ये रहा टेबल, ये रहे अपने कप। चलो अब डालते हैं चाय कप में।
चलो चाय उठाओ। पी के बताना कैसा है। तो उसको बताओ, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी जिंदगी में। पहले गले से तो निकाल ले लीजिए भाई। भाई के पास वर्ड ही नहीं थे कोई बोल पाने के लिए, तो कुल मिला के बढ़िया थी चाय। इससे पहले कि यार अब हमारी चाय ठंडी हो जाए, हमारे पास कुछ खाने को भी है। चलो साथ में चाय के साथ कुछ बंद वगैरह हैं तो ऐसे ही खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। सैंडविच बना के कुछ टाइप से हम खाते। तो फिलहाल हम चाय पीते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद अभी रात होने में थोड़ा बहुत टाइम है, तब तक थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। और तब तक आप थोड़ा टाइम लैप्स वगैरह इन्जॉय कर लो, नेचर शॉट कुछ इन्जॉय कर लो, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस चाय पीने के बाद बातें करते करते थोड़ी लकड़ियाँ वकड़े काटी, अब जाके हो चुकी है रात। अब हमें प्रिपरेशन करना है जो अपना डिनर बनने वाला है। आज हम सोच रहे हैं चिकन बिरयानी बनाने की, तो उसमें पता है आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो अब इसे तैयारी कर लेते हैं चिकन बनाने की, मतलब चिकन मैरिनेट करने की। अपना जो शेल्टर ना कितना मस्त लग रहा है, अपना जो नया घर है। चंदू भाई कैसा लग रहा है शाम के टाइम, मस्त लग रहा है ना? गजब, ये तो घर वाला फील फील आ रहा है बिल्कुल। हाँ तो यार चलो अब काम करते हैं, चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें बनाना है बिरयानी। उसके लिए चंदू भाई रेडी है। तो ये रहा चिकन। और पिछले वीडियो में ना एक कमेंट था, बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि भाई 2-3 दिन तक तुम्हारा चिकन ख़राब क्यों नहीं हुआ। पहली बात तो ये, सेकेंड डे तक चिकन ख़राब नहीं था बिल्कुल भी, बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि मैंने पीछे यहाँ पे एक टहनी है वहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पर ख़राब होने के चांसेस नो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है क्योंकि एक तो यहाँ पे धूप आती नहीं है, ऊपर से तीसरे दिन पे हल्का स्मेल आ रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं कि हल्का चिकन ख़राब हुआ है, बस दिखा दिया था कि यार अब ख़राब हुआ दिखाता तो थोड़ा अजीब सा लगता ना, तो इसलिए मैंने चिकन दिखाया नहीं था। तो वही रीज़न था कि भाई यहाँ पर बहुत ठंड है तो इतना ख़राब हुआ नहीं था चिकन। तो आज फ्रेश चिकन है, कल हमने आधा चिकन आज यूज करेंगे और आधा कल के लिए बचा के रखेंगे। चलो तो अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें सारे मसाले जैसे काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, नमक, जो मसाले रहते हैं बेसिक वही डालेंगे। धनिया प्लस गरम मसाला और सारा मिक्स है इसमें, एक ही उसमें है। तो साथ में नमक, लास्ट में बन गया हमारा। अब डालेंगे इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऊपर से दही डाल के बढ़िया से इसको मैरिनेट कर देंगे। और ऊपर से मुर्गा छाप चिकन मसाला। तो इसमें दही डालने के बाद ये देखो यार क्या कलरफुल लग रहा है, मस्त मसालों का सारा कलर आ चुका है इसमें। अब चलो इसको छोड़ देते हैं और अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी चिकन ये रहा, इसको हमने लगभग पूरा मिक्स करके छोड़ दिया है, थोड़ी देर इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कर लेंगे प्याज व्याज कटिंग कर लेंगे। अभी तक इस कुर्सी में मेरा हक था, अब चंदू भाई कुर्सी के हकदार, क्योंकि यहाँ पर चेंज होता रहता है। और अभी आप भोला को नहीं देख रहे होंगे ना, क्योंकि भोला बहुत भोला है भाई, भोला लाइट पकड़ के बैठा है वहाँ पे। तो चलो पहले प्याज वगैरह काट लेते हैं। तो गाइस अभी भोला को हमने कुर्सी दे दी है। भोला क्या कर रहा है पता है, टमाटर काट रहा है, क्योंकि हम टमाटर क्या कर रहे हैं कि पेस्ट बना रहे हैं पहले ही तेल में फ्राई करके, कुछ अलग टाइप से। शायद से बिरयानी में टमाटर बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन आज मैं अलग ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ बनाएंगे। भोला हो गया ला, ये इसमें और पैन में तेल डालते हैं और इसमें टमाटर फ्राई कर लेते हैं। भोला कैसा लग रहा है कैंपिंग? बड़ा मज़ा आ रहा है। बैठ जा भाई आराम से, बैठ जा। हाँ थोड़े बारे में, हमारे बारे में बता कि जैसे कि यार मतलब कैंपिंग में खाना मतलब कैसा बनता है? बहुत अच्छा लगता है।
नहीं, चाय कैसी थी पहली का? बहुत अच्छी थी, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। तो आप गया ये हमारा, आग लगा दी, आग लगा दी आप। ये कुछ अलग ही था भाई, क्यों तड़का बोलते हैं इसको? तड़का जबरदस्त तड़का, थोड़ा नमक वगैरह डाल दो कभी थोड़ा। हाँ नमक डाल दो, ला दो छोला नमक। ऑलमोस्ट ये पूरा तैयार है ग्रेवी, आज कुछ अलग ट्राई करेंगे। टमाटर की जो ग्रेवी थी हमने चिकन में डाल दी, वो अब इसको मिक्स करेंगे पूरा। चलो भाई प्याज फ्राई करना, ये रहा प्याज, ठीक है तब तक मैं चावल अभी वो लेता हूँ, ठीक है ना। अब ठंड बढ़ने लगी है यार, एक तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मेरे जैकेट के बारे में, तो मैं जो -5 वाला जैकेट था वो लेके ही नहीं आया यार। मानता हूँ कि रोज़ पहन रहा था, लेकिन उससे ठंड तो कम होती थी। आधा घंटा चावल को भिगो लेंगे हम, लगभग टाइम बता दूँ तो 7:10, फिर भी 1 घंटा हो गया हमें। चलो चावल थोड़ा छोड़ देते हैं ऐसे ही, तब तक हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। बस प्याज फ्राई करो भाई, हमारी तो हम जो अब फ्राई किया हुआ प्याज वगैरह था उसको निकाल के उसमें चिकन डाल देंगे। हमारे पास थोड़ा बर्तन की कमी होती है, अब इसको कम से कम कितना 10-15 मिनट। तो चिकन हमने पकने के लिए रख दिया, अब इसको थोड़ा ढकते हैं, इससे बर्तन की थोड़ी कमी है। बढ़िया पड़ी है, ऐसे बैठ के मस्त कुकिंग करने का अलग ही मजा है भाई यार। चंदू भाई मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया यार, आज कोई टेंट का कोई नहीं है, शेल्टर का मस्त। तो इसके बाद हम चावल बनाएंगे, फिर जाके इसमें डालने वाले हैं, वो आपको पता ही है भाई बिरयानी कैसे बनती है। और शाम में हम नींबू लाए हैं ऊपर से, आराम से एक नींबू लेमन चटपटी, थोड़ा सा इधर उधर चला जाता हूँ मैं, जापान फिसल जाती है, और थोड़ा सा गली में यहाँ पे आके ना एक चीज़ तो देखी है मैंने, तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना धूप पड़ती नहीं है, दिन में भी 1 घंटे मुश्किल से धूप पड़ती है, उसके बाद इतनी ठंड है यहाँ पे। और चिकन ख़राब ना होने का रीज़न वही है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर भाई बहुत डाउन है, बहुत ही डाउन। तो अब हम करेंगे चावल को पका लेंगे थोड़ा बोले तो 70-80% तक। ये रहा गर्म पानी, इसमें थोड़ा मसाले वगैरह डाल के चावल को डाल देंगे। चलो मसाले डालते हैं, 2 तेज पत्ते और ये अदरक हो गया, और ये हो गया दालचीनी और स्टार फूल और दालचीनी, बस इसके ऊपर से इसको गर्म होने देते हैं, फिर डालेंगे चावल। पानी उबल चुका है, अब उसमें डालेंगे चावल। तो गाइस जब तक हमारा बिरयानी रेडी हो रहा है तब तक मैं अंदर का सेटअप बना लेता हूँ बढ़िया सा, फिर जाके अंदर बैठ के मस्त से खाएंगे। आज बाहर भी ठंड ज़्यादा है तो अंदर बैठ के खाने वाले हम। अब लगा लेते हैं साथ में टेबल भी, यहाँ पर लगेगा टेबल अपना, और फिर यहाँ पे बैठ के मस्त से खाएंगे आज। चलो तो चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, अब इसमें चावल ऐड करेंगे हम, जो चावल पकाए थे डालते हैं। फ्राइड ऑनियन
और चावल। बिरयानी यह बड़ी मस्त दिख रही है और ऊपर से डालेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश वगैरह। अब इसमें थोड़ी देर ढक देंगे। अब इसको अब लास्ट में एक चीज और बच गया हमारा, ग्रेवी थोड़ी बचा के रखी है ताकि भाई थोड़ा दम बिरयानी बन जाएगी बस। तो गाइस बिरयानी रेडी हो चुकी है और अंदर मैंने सेटअप बना लिया। यहाँ पे बैठ के खाने का प्लान था पहले, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, इतनी ठंड है, इतना क्लोज बैठ के भी खाएंगे फिर भी यार ठंड लग रही है, पीछे से तो ठंड लग रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, अंदर जाके मस्त से बैठ के खाने वाले हैं। जो अंदर का सामान था ना वो साइड में पीछे लगा दिया मैंने, ढक के रख दिया बढ़िया से, रात को अगर पाला वाला भी गिरा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और लकड़ियाँ सारी डाल दी बड़ी बड़ी, ये जलती रहेंगी और हम अंदर बैठ के मस्त से खाते हैं। लेके आ गया मैं बिरयानी। ये आई बिरयानी। तो गाइस अपना बिरयानी आ चुकी है चंदू भाई, ओपन करते हैं ना, तो करना ओपन यार थोड़ा। ओहो देखो गाइस बिरयानी ना क्या मस्त बनी है, आप खाने में पता चलेगा। तो स्टार्ट करें। ओ भाई देखो एक नंबर है, एकदम चावल खिले खिले से लग रहे हैं, मस्त मज़ा ही आ गया यार। वाह और एक चिकन पीस निकालने की कोशिश करते हैं, कहाँ छुप गए भाई। आया कहाँ कहाँ आया, यही है यही है, ये चिकन है। हाँ हाँ चिकन है, नहीं भाई चिकन तो वहीं तो बहुत ज़्यादा थे, निकालना भाई। हाँ लगा लगा तो रहा नहीं जाता। हाँ ये वाला। ओ भाई, भाई एक नंबर यार, खुशबू से पता लग रहा है कि कैसा बना होगा। चलो जल्दी प्लेटिंग करते हैं और खाते हैं यार इसको। तो फाइनली गाइस टेस्ट करते हैं, सबसे पहले टेस्ट कराएंगे हम किसको, नए नए मेंबर मतलब ग्रुप मेंबर भोला को। भोला चलो भाई। चलो भाई स्टार्ट करके खा के बताना कैसा है। हड्डी कैसा है, एक नंबर। और थोड़ा चिकन खा के बताना। पानी आ गया, हम भी खा लेते हैं। अच्छा है ना, अच्छा है पक्का। चलो चलो हम भी स्टार्ट करते हैं, पहले तो मैं खा रहा हूँ चिकन। वास्तव में यार मज़ा आ गया भाई, वाह। एक नंबर गाइस सच में यार, काश तुम अभी यहाँ पे होते। किसी चीज़ की भी कमी नहीं है इसमें, सब चीज़ परफेक्ट है। और ऊपर से हम इस शेल्टर के अंदर खा रहे हैं तो इसका भी अलग एक्सपीरियंस है, बढ़िया से बैठ के मस्त, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है वाकई में। जगह भी थोड़ा हाँ नेचुरल सा लग रहा है ना कि हाँ भाई सब कुछ नेचुरल बना हुआ है, तो मज़ा आ रहा है। और स्पेस भी काफ़ी है, अंदर बैठ के आराम से खा सकते हैं। एक चीज़ मिसिंग है यार बस, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ रहता है ना, लेकिन ठंडा है तो खाते हैं अब फिर मिलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 10:30 होने वाले हैं और हम खाना वाना खा के जस्ट भाई जो कैंप फायर हमने जलाई है ना बैठे हैं पिछले लगभग एक घंटा होने जा रहे हैं हमें, और जो आनंद आज मिला है ना हमें बैठ के मज़ा आ गया। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इससे पहले इतना मज़ा शायद ही कभी आया होगा। एक दिक्कत थी जैकेट की जिसकी वजह से थोड़ा ठंड लग रही थी, पर जब से हमने आग यहाँ पे बैठे हैं तब से एक घंटा कब बीता पता भी नहीं चला। बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करी हमने, और ज़्यादा आपको मस्ती अगर देखनी है तो जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेंबर्स ओनली वीडियो में हम वो वीडियो डालेंगे ठीक है। थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद सो जाएंगे, ज़्यादा
आज की वीडियो शायद इतनी लंबी तो नहीं होगी, मैंने आज पहली बार ट्राई किया कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ क्यों चंद भाई, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो, फिर पूरा देखते नहीं हो, तो उससे अच्छा है कि हम शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। उम्मीद है आप आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और कल वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अभी जाके बस सोना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कल, यानी कल वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइस यार हम आ चुके हैं वापस से अपने शेल्टर के अंदर, अब भाई एक स्लीपिंग बैग से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो ऊपर से हम कंबल भी लेके आए हैं एक, तो और साथ में यार आज मैं अपना नया स्लीपिंग बैग भी यूज करने वाला हूँ। हाँ इसका वो देख अनबॉक्सिंग भी करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स देखते हैं तो कैसा रहता है, मैं भी मंगाता हूँ। हाँ और इसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या -5 तक में काम कर सकता है या नहीं, आज इसका फर्स्ट टेस्ट होगा, देखते हैं। वैसे है मोटा नहीं, बहुत मोटा है यार, सही है, अरे गजब सही है भाई। तो चलो लाइट करते हैं ऑफ और गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट।